दोस्तों डिवाइन विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी चैनल पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियो आती रहती है, तो आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद लगभग 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के साथ रहने के बाद धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तब धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में तप करने चले जाते हैं। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती घोर तप करते हैं और विदुर तथा संजय उनकी सेवा करते थे। बहुत समय बीतने पर राजा युधिष्ठिर सहपरिवार धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती से मिलने आते हैं। उसी समय वहाँ महर्षि वेदव्यास भी आते हैं। महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से एक रात के लिए युद्ध में मारे गए सभी वीरों को जीवित करते हैं। रात भर अपने परिजनों के साथ रहकर वे सभी पुनः अपने अपने लोकों में लौट जाते हैं। कुछ दिन वन में रहकर युधिष्ठिर आदि सभी पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। इस घटना के करीब 2 वर्षों बाद नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आते हैं और बताते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु जंगल में लगी आग के कारण हो गई है। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख होता है और वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की आत्मशांति के लिए तर्पण आदि करते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें तथा आगे के मौसल पर्व तथा अन्य पर्वों की जानकारी के लिए आगे के वीडियो में बने रहें।